Good morning, students. I am Ananda Dutta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7th and computer science branch. हमने इसके पहले यूनिट 1 पढ़ लिया हुआ था. अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम सिमेट्रिक साइफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके जो भी हमारे टॉपिक्स है, सिमेट्रिक साइफर्स के जो भी टॉपिक है, ग्रुप रिंग, फिल्स, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इक्लूजियम थ्योरम, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन हम AES जो है हमारा, AES के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हमारा स्ट्रिंग साइफर है और हमारा है कॉन्फिडेंशियलिटी यूजिंग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इक्लूडियम थ्योरम, कि हमारा इक्लूडियम थ्योरम जो है वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो हमारा इक्लूडियम थ्योरम कैसे वर्क करता है. वन ऑफ द बेसिक टेक्निक्स ऑफ नंबर थ्योरी इज इक्लूडियम एल्गोरिदम, विच इज अ सिंपल प्रोसीड फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. इक्लूडियम थ्योरम क्या होता है, एक सिंपल हमारा प्रोसीजर होता है जिसके की थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जीसीडी. जो हम मैथ्स में पहले जीसीडी निकालते थे किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो वो जीसीडी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इक्लूडियम थ्योरम का यूज करते हैं. ये हमें ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसके की थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोसीजर के थ्रू ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वी नीड अ सिंपल डेफिनेशन, वी नीड अ सिंपल डेफिनेशन. टू इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ देयर कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स फैक्टर इज वन. ठीक है, वी नीड अ सिंपल डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन है यदि टू इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम. यदि हमारे पास जो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं वो यदि रिलेटिवली हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो देयर कॉमन पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर इज वन. तो उनका जो हमारा फैक्टर रहेगा, उनका जो फैक्टर निकलेगा वो हमारा हमेशा वन निकलेगा. ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम बोलने का क्या मतलब होता है, टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ दे हैव नो फैक्टर्स कॉमन अदर देन वन. यदि वो एक दूसरे में कॉमन फैक्टर्स नहीं रहते तो वो रिलेटिवली प्राइम होता है. ठीक है, एग्जाम्पल जो हमारा नंबर है 21 एंड 44, ये हमारा रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि दे हैव वन कॉमन नंबर, इनमें एक कॉमन नंबर है, इसलिए ये दोनों जो है हमारे प्राइम नंबर्स है. जैसे कि देखिए 21 है एंड आपका 44 है, देन 7 इंटू 3 है एंड 4 इंटू 11. तो इन दोनों का जीसीडी की यदि हम बात करें तो इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो हमारा आएगा 1. ठीक है, तो हम जो ये जीसीडी फाइंड आउट करते हैं, हम जो पुरानी टेक्निक्स यूज करते थे मैथ्स में टाइम पे, वही हमारा जीसीडी है, उसी से हमें यहाँ पे जीसीडी फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आप आगे देखिए जीसीडी होता क्या है. ठीक है, जीसीडी जो हम बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसे यदि हम डिस्कस करें कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोलने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको यदि दो इंटीजर के हमको यदि जीसीडी निकालने हैं तो उसके हम क्या यूज करेंगे, जीसीडी यूज करेंगे. रिकॉल दैट नाउ नन जीरो बी इज डिफाइंड टू बी अ डिविजर ऑफ ए. ठीक है, इफ ए इक्वल टू एम बी फॉर सम एम वेयर ए बी एंड एम आर इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू एम बी ले रहे हैं, बट ए और एम और बी जो तीनों हैं ये इंटीजर्स हैं. ठीक है, G of A or C means greatest common divisor. जैसे हमने ये जो हमारा जो वैल्यू लिखा हुआ है GCD of A B means greatest common divisor होता है ये आपका. ठीक है, greatest जैसे कि GCD of A B है is the largest integer that divides A and B. जो आपका यहाँ पे GCD का जो वैल्यू रहेगा वो आपका वैसा वैल्यू रहेगा जो कि आपके A और B को डिवाइड कर दे, वो लार्जेस्ट नंबर रहेगा आपका. पॉजिटिव इंटीजर सी इज सेट टू बी द जीसीडी ऑफ ए एंड बी. यदि मान लीजिए हम यहाँ पे सी लिख देते हैं तो सी को ए और बी का हम
जीसीडी तभी कहेंगे जब सी जो है डिविजर रहे ए और बी का, ठीक है, जो सी रहेगा वो हमारा डिविजर रहेगा ए और बी का. एनी डिविजर ऑफ ए एंड बी इज अ डिविजर ऑफ सी, कोई भी डिविजर ए और बी का जो डिविजर है वही सी का भी डिविजर रहेगा, ठीक है, मैंने कि ए और बी को यदि कुछ डिवाइड कर रहे नंबर तो वही नंबर सी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए रूल्स ऑफ जीसीडी, जीसीडी के रूल्स के बारे में हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जीसीडी ऑफ 60 और 24, ठीक है, 60 और 24 का यदि हम जीसीडी निकालते हैं तो जीसीडी जो है 12 इंटू 5 एंड 12 इंटू 4 मीन्स दोनों का जीसीडी क्या होगा आपका 12 होगा, ठीक है, दोनों का जीसीडी आपका 12 होगा क्योंकि दोनों ही जो नंबर है ग्रेटेस्ट 12 से आपके डिवाइड हो जाएंगे, 12 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है. हम यदि यहाँ पे मान लो 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं या 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो वैसा नहीं होता है, यहाँ पे जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर पाए वो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए जीसीडी ऑफ ए बी मैक्सिमम के सच दैट के बाय ए एंड के बाय बी, मैंने ये जो 12 था 12 बाय हम 60 कर सकते हैं, ठीक है, 60 बाय 12 एंड 60 बाय 24 बाय 12 हम यहाँ पे कर सकते हैं. जीसीडी ऑफ ए बी यदि हम निकालते हैं तो यदि हम जीसीडी लेते हैं ए और माइनस बी का, जीसीडी यदि हम लेते हैं माइनस ए एंड बी का और जीसीडी हम लेते हैं माइनस ए और माइनस बी, तो ये जो सारे आते हैं ये हमारे इक्वल आते हैं, ठीक है. जीसीडी ऑफ ए और बी और जीसीडी ऑफ मॉड ए और मॉड बी दोनों ही इक्वल होंगे यदि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज है, यदि ये माइनस में भी रहती है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जो दोनों वैल्यूज होंगी इक्वल होंगी. जीसीडी ऑफ जीरो जीरो यदि हम करें, जीसीडी ऑफ जीरो जीरो तो वो हमारा जीरो होगा, जीसीडी ऑफ ए और जीरो भी करेंगे तो हमारा क्या होगा वैल्यू ए की वैल्यू आएगा क्योंकि जीरो को हमको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, ए को जो डिवाइड होगा वही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है. और जीसीडी ऑफ ए और बी वन होगा यदि हमारे ए और बी जो है वो हमारे रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है, ए और बी यदि आपके रिलेटिवली प्राइम होंगे तो क्या होगा आपका ए और बी यदि आपका रिलेटिवली प्राइम होगा तभी जो है ए और बी आपका वन हो जाएगा, ठीक है, जीसीडी ऑफ ए और बी आपका वन हो जाएगा इन केस क्या होगा यदि आपका ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम होगा. फाइंड जीसीडी, फाइंड जीसीडी हम जीसीडी कैसे फाइंड करेंगे, इंटीजर ए एंड बी सच दैट इफ डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो है ये आपका फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे क्यू वन बी प्लस आर वन मीन्स ये हमारा रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, हम ऐसे निकालते रहेंगे जब तक कि हमारा जो जीसीडी है एन टर्म तक के मीन्स जहां तक कि हमें निकालना हो वहां तक के फाइंड आउट ना हो जाए, ठीक है. देन इक्लूडियम थ्योरम, जो हम इक्लूडियम थ्योरम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे उस इक्लूडियम थ्योरम की यदि हम बात करें तो उस इक्लूडियम थ्योरम के थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, इक्लूडियम थ्योरम से हम कंप्यूट कर सकते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी, इक्लूड ए एंड बी इफ बी इक्वल टू जीरो देन रिटर्न ए, ठीक है, यदि हमारे पास बी जीरो है तो हमारा क्या होगा ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा, एल्स रिटर्न इक्लूडियम बी ए मॉड ऑफ बी मीन्स ए और बी का हम मॉड करके जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे और उसे उस रिजल्ट को हम रिटर्न करेंगे. देन हमारे जो स्टेप्स है इक्लूडियम थ्योरम के वो ऐसे स्टेप्स है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी मीन्स ए और बी का हम जीसीडी फाइंड आउट करेंगे ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, ठीक है, देन इफ बी इक्वल टू जीरो यदि हमारा बी जीरो है तो रिटर्न ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, आर क्या होगा हमारा आर जो था ए मॉड बी, ठीक है, हम जो ऊपर में आर फाइंड आउट कर रहे थे ना ये जो हमारा आर होता था ये ए मॉड बी से हमारा आर का वैल्यू आता है, ठीक है, ए इक्वल टू बी देन गो टू स्टेप टू, यदि ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो हम फिर से स्टेप टू में जाएंगे. तो ये था हमारा जीसीडी का एल्गोरिदम जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं हमारा इस स्टेप से हमको हमेशा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और जो हमारा जीसीडी था वो भी हमको फाइंड आउट हो जाएगा. तो ये हमारा था इक्विलिब्रियम थ्योरम.
जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, जीसीडी को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम थ्योरम के थ्रू हम क्या कर रहे थे, जीसीडी फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि इस इक्विलिब्रियम थ्योरम के थ्रू हम जब जीसीडी फाइंड आउट कर रहे थे तो हमको क्या करना है, मॉड निकालना है। मॉड निकालने के बाद हम सीधा आंसर में चले जाते हैं। अब हम इसके आगे के पॉइंट देखते हैं, जो है कि हमारा है फील्ड, जो कि हमने सिलेबस में अभी देखा था, फील्ड, रिंग, ग्रुप, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फील्ड ग्रुप है, हम फील्ड क्या बोलते हैं, अब फील्ड एफ, ठीक है, फील्ड को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, समटाइम्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, is a set of elements with two binary operation called addition and multiplication, ठीक है। जो हमारा फील्ड है वो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ यहाँ पे कंटिन्यू होता है, एलिमेंट का सेट बनता है, जो कि हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमारा फील्ड डिनोट, हम फील्ड ऐसे डिनोट करते हैं जिसमें एफ हमारा फील्ड होता है और एडिशन और इंटू, ये दोनों, ये तीनों मिला के एक सेट बनता है, हमारे टू बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं, जिसे कि हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप जी, समटाइम्स डिनोट बाय जी एंड डॉट, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विथ अ बाइनरी ऑपरेशन डॉट, ठीक है, that associate to each other pair AB of a element in G of element A dot B in G, ठीक है। हम जो ग्रुप को है, ग्रुप को हम G से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, G से हम ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो G से हम ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं और उसके साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन डॉट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन डॉट का हम यूज कर रहे हैं, जो कि एसोसिएट होता है ईच पेयर ऑफ ए बी, जैसे ए डॉट बी मींस ए मल्टीप्लाई बी, जो हम करते हैं उस चीज के लिए हम यहाँ पे डॉट ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। और ये हमारा ग्रुप में जो है जी और डॉट को लेके एक हमारा सेट बनता है, सेट ऑफ एलिमेंट बनता है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट एंड कम्युनिकेटिव, ये जो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर एलिमेंट। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, मींस ए और बी यदि जी में बिलोंग्स कर रहे हैं, देन ए डॉट बी जो है वो भी जी में बिलोंग्स करेंगे। ये आपके मैक्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, यदि ए और बी जो है आपका जी में बिलोंग हो रहा है, देन ए डॉट जो बी है ये भी हमारा जी में बिलोंग होगा। देन हमारा आता है नेक्स्ट एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या करता है, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में ए डॉट बी और ब्रैकेट के बाहर डॉट सी फॉर ऑल ए बी एंड सी इन जी, ठीक है। मीन्स यदि आपका ए डॉट इन ब्रैकेट बी डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, आपका ए डॉट बी इन ब्रैकेट एन डॉट सी, ये जो रहेगा आपका इक्वल रहेगा यदि सारे के सारे ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो यदि ए बी और सी तीनों ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं उस केस में क्या होगा आपका, कि ये जो हमारा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। देन हमारा आता है थर्ड आइडेंटिफाई एलिमेंट। आइडेंटिफाई एलिमेंट बोलने का मतलब देयर इज एन एलिमेंट ई इन अ ग्रुप जी सच दैट ए डॉट ई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑन ए इन जी, यदि आपका जो ए है ये आपका जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यदि आपका ए जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि ए डॉट ई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ए होगा, ठीक है। ये आपका आइडेंटिफाई एलिमेंट है, ठीक है। जब भी आपका ए जो है जी में रहेगा या फिर, तो हमारा क्या हम इसे बोलेंगे आइडेंटिफाई एलिमेंट। देन हमारा आता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए इन जी, ठीक है, मीन्स जितना भी हमारा ए है जी में देयर सच दैट ए डैश इन जी सच दैट, मीन्स आपका जो ए है और ए डैश है दोनों यदि ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उस केस में ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ई।
ये जो सारे हैं आपके इक्वल रहेंगे आपस में, ये हम इसे इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। देन हमारा आता है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव जो हमारा लॉ रहता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स ए डॉट बी जो होगा वही बी डॉट ए होगा। यदि हमारे जितने भी एलिमेंट्स है ए और बी, ये सारे यदि हमारे ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे यदि हमारे ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए डॉट बी जो है आपका बी डॉट ए होगा। तो ये जो था आपका, ये आपके कुछ फील्ड्स थे और ग्रुप थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम रिंग, फाइनाइट फील्ड, ये सारी चीजों के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन थैंक यू।